अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता
वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः चला आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।